हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकमेट्स पर। मैं हूँ मैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जो सब हमारे पीठ पीछे होती है, वो कहलाती है डेटा माइनिंग। दोस्तों हाँ, डेटा की भी माइनिंग होती है, कोड की माइनिंग नहीं, डेटा की भी माइनिंग होती है। डेटा माइनिंग में क्या होता है, डेटा माइनिंग में एक कंपनी के पास जब बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसकी माइनिंग करते हैं। माइनिंग से ये करते हैं, वो नई नई नॉलेज निकालते हैं, यानी नई डिस्कवरी करते हैं इन्फॉर्मेशन की। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे अगर आप एक सुपर मार्केट होता है, सुपर मार्केट में लोग आते हैं जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और इस चीज़ का रिकॉर्ड सुपर मार्केट रखता है, तो उनके पास एक बहुत बड़ा डेटा बन जाता है। तो इस डेटा का यूज़ करके क्या करते हैं, वो देखते हैं कि क्या लोगों की पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद में आई, क्या चीज़ थी, मतलब यानी जो बहुत ज़्यादा बिकी, क्या चीज़ है जिसकी सेल कम हो गई, लोगों का पसंद है और लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या ट्रेंड में चीज़ आ रही है, लड़कियों को क्या पसंद है, लड़कों को क्या पसंद है, हर चीज़ का वो रिकॉर्ड रखते हैं और इस तरह से डेटा वो निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि एक एक बंदे की प्रोफाइल तक का उन्होंने बना के रखा है कि क्या खरीदेगा अगली बार, तो उस तरह से उसको टारगेट किया जाता है दोस्तों। तो ये थी डेटा माइनिंग सुपर मार्केट में, और ऐसे ही फेसबुक में भी होता है, ये व्हाट्सएप में भी होता है और गूगल पे भी होता है। जो भी आप सर्चेस करते हैं उन सबका एक डेटा बनता है और इस डेटा में से नई नई इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। और ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको डिजिटल फुटप्रिंट होता है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो आपको कंपनी से डिजिटल फुटप्रिंट ले लेंगे। अगर आपने जो भी फेसबुक पे करा होगा और इंस्टाग्राम पे करा है, व्हाट्सएप पे करा है, कहीं भी कुछ भी करा होगा, तो पूरी प्रोफाइल बन रही है आपकी, जो वो यूनिवर्सिटी वाले लेके निकलवा लेंगे आपकी। तो ये होगा आपका डिजिटल फुटप्रिंट। तो दोस्तों बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा जो आपके लिए काम में आएगी। और कोई भी अनऑथेंटिक वेबसाइट है, यानी जैसे अगर आप देखते हैं ऑटो लाइकर्स ऑटो फॉलोअर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि लोग जरा में फॉलोअर्स के चक्कर में और लाइक्स के चक्कर में अपने पर्सनल ईमेल आईडी डाल देते हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत बड़ा खतरा होता है। तो इसी चीज़ का वो यूज़ करके जो आपकी जो जैसा ऐप का यूज़ कर रहे हैं, वो लोग लाइक आपके आईडी से दूसरे पोस्ट लाइक करवाएंगे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने यूज़ करे हैं कुछ फॉलोअर्स अपने दूसरी आईडियों पर, मेन आईडी पे किया मैंने ये, तो वहां पर मेरे खुद ब खुद लाइक हो रहे थे पोस्ट जो मैं किए थे दोस्तों। तो इस तरह आपके हर चीज़ का डिजिटल फुटप्रिंट बनाया जाता है। आपकी पूरी प्रोफाइल है, आपने कौन से पोस्ट लाइक किए, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो जो यूनिवर्सिटी के ऑफिसर हैं वो ये देखते हैं दोस्तों। तो इस तरह ये लार्ज स्केल पर भी होता है, यहाँ पर पूरा देखा जाता है कि दुनिया में क्या लोग क्या ट्रेंड में आ रही है चीज़, क्या नहीं आ रही, और तो इस तरह से नई नई नॉलेज को निकाला जाता है दोस्तों। ये थी एक शॉर्ट वीडियो डिजिटल माइनिंग पर। तो देखते रहे टेकमेट्स, लाइक कर दें वीडियो को, शेयर शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और देखते रहिए टेकमेट्स। गुड बाय।